Welcome to AutoCAD 2015, 2D and 3D. AutoCAD basically two words milke banaya, auto and CAD. Auto mean automatic and CAD mean computer, edit, drafting. In computer ke zariye jab hum drafting karte hain to automatically jab hum drafting karte hain to AutoCAD ke through karte hain. To AutoCAD ek aisa software hai jo ki aapko कंप्यूटर के थ्रू ड्राफ्टिंग करने में मदद देता है। ड्राफ्टिंग जो होती है बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक होती है मैनुअल ड्राफ्टिंग जो कि आप हाथ की मदद से बनाते हैं। हाथ की जो ड्राफ्टिंग होती है वो एक्यूरेट नहीं होती, या फिर अगर एक्यूरेट भी हो भी तो फिर भी दूसरे इंसान को सही समझ नहीं आएगी कि किस तरह इसने बनाई है। जबकि आपके पास जो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग जो होती है ये आपके पास एक्यूरेट ड्राफ्टिंग होती है, ये 100% एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है AutoCAD जो कि आपको ड्राफ्टिंग ड्राइंग्स 2D 3D ड्राइंग ये ड्राफ्टिंग बनाने में काम आते हैं। ये आपके पास AutoCAD 2015 का इंटरफेस है। AutoCAD इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल तीनों का आपके पास ऐसा ही होता है, बिल्कुल इंटरफेस ऐसा ही होता है। इसमें थोड़ा सा आपने वर्क प्लेस जो होता है वो थोड़ा चेंज कर लें जो कि यहाँ पे सेटिंग में आप कर सकते हैं, तो उससे आपका AutoCAD कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हम AutoCAD डाउनलोडिंग और काम करेंगे इससे तो आपको तीनों की समझ आ जाएगी इसकी कैसे। AutoCAD इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल में आप ड्राइंग कैसे बनाते हैं, इसमें PLC कैसे बनाएंगे, डिफरेंट किस्म के लॉजिक सर्किट कैसे आप ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के हम ड्राइंग बनाना AutoCAD जो है तो AutoCAD इलेक्ट्रिकल में देखेंगे। जो AutoCAD इलेक्ट्रिकल जो होता है इसमें सिंबल्स बने बनाए पड़े होते हैं, आपको कुछ सिंबल ऐड करनी होती है, इसमें वायर्स होती हैं, इसमें कंप्लीट AutoCAD इलेक्ट्रिकल का इंटरफेस आपके सामने होता है। हम AutoCAD इलेक्ट्रिकल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसमें काम करेंगे, इस तरह मैकेनिकल के ऊपर काम करेंगे और इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स भी हम बनाएंगे। तो ये था जी AutoCAD और उसके इंट्रोडक्शन के, AutoCAD में हम क्या क्या काम करेंगे इसमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, AutoCAD को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।